चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे पुलिस वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, ये बनने में कितना टाइम लगता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 दिन के अंदर में जो है बन के तैयार हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको वो चीज़ें बताने वाले हैं जो आप लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपको 10-10, 15-15 दिन तक इंतजार करना पड़ता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट को यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र को बनने के बाद में कहाँ से चेक करना है बन गया कि नहीं और कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, कैसे अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि आपको चेक कैसे करना है। इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का बताने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में। बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो अपने स्टेट का नाम वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है यूपी पुलिस, ठीक। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी पुलिस लिखेंगे तो जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पुलिस की, upipolice.gov.in, आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जनहित सेवाएं सिटीजन सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद में यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक। यहाँ पे आने के बाद में अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मान लीजिए आपने अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नया उपयोगकर्ता बनाए के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहाँ पर कि आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल और लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड बना के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा, ठीक। जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड आपका बन जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है इस वाले पेज पे, सिंपल से अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे और नीचे जो लॉगिन वाला ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक। लॉगिन होने के बाद में आपको जनहित गारंटी अधिनियम के ऊपर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध के ऊपर जाना है और नया अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, सभी के लिए आपको यहाँ पे आना है, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ने के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। अगर आप जो है नया चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी फॉर्म को भर के सबमिट करना होता है। फिलहाल अप्लाई करने का प्रोसेस हम पहले से बता रखे हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे जाना है, भुगतान की स्थिति के ऊपर क्लिक करना है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कई जो है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए इस आईडी से मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ से मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, इसका अनुरोध संख्या आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में सेवाओं के लिए खोज स्थिति के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से कि आपको स्टेटस चेक करना होता है और सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना होता है। अब यहाँ पे सर्विस का प्रकार के ऊपर क्लिक करना है, सेवा अनुरोध के ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेवा अनुरोध के प्रकार के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो वर्ष दिया है, यहाँ पे आपको जिस भी वर्ष में अप्लाई किया है वहाँ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अनुरोध संख्या को डाल देना है जो अभी आपने कॉपी किया, खोजें के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेवा अनुरोध आईडी, यहाँ पे आपकी अनुरोध संख्या दी गई है। कीर्तिमान स्थिति में अगर स्वीकृत दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पे पूरा करने के लिए लिया गया समय यहाँ पे देख सकते हैं दिन में 3 दिन के अंदर में ही बनके जो है तैयार हो चुका है। अब इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और जिसके बाद में यहाँ पे जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अब इसे आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में एज पीडीएफ सेव कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि लोग गलती कहाँ पे करते हैं जिसके वजह से उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो जो लोग गलती करते हैं वो पेमेंट वाले ऑप्शन पे करते हैं। पेमेंट करने के बाद में उसका स्टेटस एक बार राजकोष की वेबसाइट पे जाइए यहाँ पे और यहाँ पे जाके वेरीफाई चालान के ऊपर क्लिक करके एक बार पेमेंट को जरूर वेरीफाई कर लीजिए, ठीक। जैसे आप वेरीफाई चालान के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा वही चालान नंबर, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक चालान नंबर आपको मिलता है, उस चालान नंबर को डालिए, जितने अमाउंट का पेमेंट, जैसे 50 रुपये का पेमेंट होता है तो 50 रुपये डालिए और कैप्चा कोड डालेंगे, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे जो आपका जो ट्रांजैक्शन है यानी कि सक्सेस दिखाना चाहिए। अगर पेंडिंग है, फेल्ड है, तो उस केस में आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है पेंडिंग पड़ा रह जाएगा, आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है और जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र टाइम से नहीं बनेगा। तो पेमेंट वाला स्टेटस एक बार जरूर वेरीफाई करिए राजकोष की वेबसाइट से। बाकी अप्लाई करने का जो तरीका है मैंने बता ही दिया है पहले से, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कि मेरा 3 दिन में बन गया, 5 दिन 7 दिन लगभग 10 दिन का जो है टाइम लग जाता है, लेकिन अगर सही से अप्लाई करते हैं लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर में ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।